This is beautiful. जाना मुझे नहीं लगता ना कि हम जस्टिफाई कर पाएंगे वीडियोस के साथ से ये बर्ड्स की आवाज़ें पानी की आवाज़ इतना कुछ ब्यूटीफुल वाली एक्टिविटी कर रही हूँ हम लोग जा रहे हैं आइलैंड टूर पे ये फुल डे आइलैंड टूर है वैसे हाफ डे आइलैंड टूर के ऑप्शंस भी होते हैं हम लोगों ने फुल डे इसलिए बुक कराया क्योंकि उसमें वो सारी चीजें हैं जो हम लोगों को करनी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कावा सेरेमनी के लिए वो क्या होती है वो मैं आप लोगों को उधर ही चल के बताऊंगी हमें इंस्ट्रक्शंस मिली थी नो बुला टाइम वो मैं आगे चल के बताऊंगी बुला टाइम क्या होता है और हमारा पिकअप 820 डनेराव पोर्ट से था अभी हम लोग अपने पिकअप पॉइंट पर पहुंच गए हैं अभी हम लोग टाइम से बहुत जल्दी हैं 20 मिनट जल्दी एक्चुअली बहुत जल्दी नहीं अभी टाइम हुआ है 8:10 एंड हमारा पिकअप है 8:30 तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर जहाँ पर भी वेटिंग पॉइंट होते हैं ऐसे लाइव म्यूजिक चलता रहता है एयरपोर्ट पर भी ऐसा था फर्स्ट टाइम वहाँ पर देखा और बहुत लाइव सा लग रहा है यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है बुला टाइम मीन्स नो वरीज फिजी में लोग अक्सर आपको इंस्ट्रक्शंस देते हुए मिलेंगे बुला टाइम और नो बुला टाइम में यू आर एक्सपेक्टेड टू बी लेट पर यहाँ हमारी बस शार्प 8:20 पर रेडी थी हमें पिकअप करने के लिए फिर हम एक घंटे बस राइड और उसमें एक छोटी सी नैप के बाद पहुँच गए जेटी पर जहाँ से हमारा आगे का कल्चरल आइलैंड टूर का सफर शुरू होता है एक छोटी सी सेफ्टी ब्रीफिंग के बाद हमें पता चला कि ये रॉबिन्सन क्रूज़ो ऑथेंटिक फिजियन आइलैंड टूर एक्चुअली दो आइलैंड्स पर है फिर यहाँ से हम चल दिए अपने पहले आइलैंड की तरफ जो कि है विलेज टूर एक्सपीरियंस ये कल्चरल टूर हमने कहाँ से और कितने में बुक किया ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अभी हम लोग अपने फर्स्ट स्टॉप पे उतर गए हैं ये विलेज टूर है अभी हम लोग अपने वॉरियर को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पर कावा सेरेमनी होने वाली है कावा सेरेमनी में एक्चुअली कावा फिजी का ट्रेडिशनल ड्रिंक है ये अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं है बट ऐसा बोलते हैं कि जब कावा पीते हैं तो जो टंग है वो नम हो जाती है अब ऐसा होने वाला है या नहीं वो मैं आपको पी के बताऊँगी वॉरियर एक वो शख्स होता है जो आइलैंड पर आने वाले हर गेस्ट को रिसीव करता है फिर हमें यहाँ एक ट्रेडिशनल फिजियन लुंगी और बिहेवियरल ब्रीफिंग दी गई जिसे मैं आगे चलकर एक एक करके डिस्क्राइब करूँगी विलेज टूर स्टार्ट करने से पहले हमें चीफ के घर ले जाया गया जो गांव का एक मुखिया होता है और विलेज में हमारा स्वागत
बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से हुआ। इस पूरे टूर में हमारे ग्रुप को एक फैमिली की तरह ट्रीट किया गया और हम में से ही दो लोगों को चूज किया, जिनमें से एक चीफ और एक चीफ का स्पोक पर्सन था, और ये दोनों लोग हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके बाद फैमिली के चीफ एंड स्पोक पर्सन एक दरवाजे से और फैमिली मेंबर दूसरे दरवाजे से गांव के चीफ के घर के अंदर एंटर हुए। सबसे पहले घर में एंटर होते ही सभी फैमिली मेंबर्स को चीफ के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है मीट एंड ग्रीट का, जब फिजियन लोग एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड या एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं। कावा का फिजियन नेम यंगोना है, जो कि एक नेटिव प्लांट की जड़ होती है, और इसके प्लेजेंट एंड रिलैक्सेशन इफेक्ट की वजह से ये प्लांट फिजियन कल्चर में यूज होता है। फिर इस जड़ को पीस कर एक बड़े से बॉल में पानी के साथ मिलाया जाता है और एक कोकोनट शेल में सभी फैमिली मेंबर्स को एक एक करके सर्व किया जाता है। यंगोना पीने का मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से था कि मुझे टॉक्सिक नहीं फील हुआ, पर ग्रुप में कुछ लोग थे जिन्हें रिलैक्सेशन के साथ उनकी टम नम फील हुई। ये बहुत ही हर्बल ड्रिंक है जिसे यहाँ के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन भी पीते हैं। लेमैन लैंग्वेज में जैसे वेस्टर्न कल्चर में होस्ट के लिए वाइन की बॉटल लेके जाते हैं, वैसे ही फिजी में अगर आप कोई विलेज विजिट करते हैं तो वहाँ के चीफ के लिए यंगोना लेके जाते हैं। इस कावा सेरेमनी के बाद हम लोग निकल पड़े विलेज एक्सप्लोर करने के लिए। इस दिन बहुत ही क्लियर वेदर था और इस सुंदर दिन को एंजॉय करते हुए हम विलेज के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां से आसपास के गांवों और अपने गांव में कम्युनिकेशन किया जाता है। इसे अलग अलग मैसेज के लिए अलग अलग तरीके से बजाया जाता है और ये लकड़ी का बना हुआ होता है, और मजे की बात ये है इसे मैंने भी ट्राई किया। पहले मैं थोड़ा नर्वस थी, पर बाद में लोगों के फेस पे स्माइल देखकर मुझे अच्छा लगा। हमने अपने इस टूर में बहुत पास से फिजियन ऑथेंटिक रहन सहन को देखा। यहाँ की औरतें अपने फ्री टाइम में हैंडीक्राफ्ट का सामान बनाती हैं, जो आप सुवेनियर के तौर पर इन्हें सपोर्ट करने के लिए खरीद सकते हैं। फिर हमें गांव वालों ने इस गर्म दिन में हाइड्रेट रहने के लिए वहीं पेड़ से तोड़कर फ्रेश नारियल पानी पिलाया और उसकी मलाई भी खिलाई। फ्रेश नारियल मलाई को एंजॉय करने के बाद हमने लोकल्स के साथ खूब फन किया। आई एम डैम श्योर ये वीडियो हमारे उस अमेजिंग एक्सपीरियंस को जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। ये विलेज टूर ख़त्म करते करते हमने लोकल्स के साथ खूब डांस किया और कुछ डांस मूव भी सीखे, जो थोड़े तो अडल्ट थे पर उन्हें ट्राई करने में बहुत मज़ा आया।
फिर उन्होंने हमारा ट्रेडिशनल तरीके से फेयरवेल किया, जिसे मोथाय सेरेमनी कहते हैं। अब हम इसी दिन को कंटिन्यू करते हुए दूसरे आइलैंड की तरफ चल दिए, जो आप इसी दिन की आने वाली पार्ट टू वीडियो में देखेंगे, जहां हमने बहुत एक्साइटिंग सी एक्टिविटी की, जैसे कि स्नॉर्कलिंग, और हमने देखा एक 200 साल का यंग कछुआ, जो कि एक ना भूलने वाला एक्सपीरियंस था। अब हर यूट्यूबर की तरह हमारे लिए मोटिवेशनल लाइन कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर। अभी के लिए बस इतना ही। विनाका, थैंक यू इन फिजी स्टाइल।